हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने प्राइवेट प्रतीक्षा में 96, 97 और 99 तीनों धाराओं में वीडियो बनाई थी और आज का मेरा वीडियो अगली धारा 98 के लिए है। फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी लैंग्वेज में वीडियो को बनाने का प्रयास करूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि विधिक लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपनी लैंग्वेज में वीडियो को बनाने का प्रयास करूं। तो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी 1860 की धारा 98 को पढ़ते हैं। 98 जो कि हमें यह बताती है कि हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार विकसित पागल किसी बालक के विरुद्ध भी प्राप्त है। अर्थात सिंपल सी भाषा में समझने का प्रयास करें कि यदि कोई पागल हम पर आक्रमण करता है तो हमें ये नहीं देखना है कि वो पागल है इसलिए हम अपना बचाव ना करें और हम जो है उसके आक्रमण में आ जाएं। इसलिए ये धारा प्राइवेट प्रतिरक्षा हमें उनके विरुद्ध भी प्राप्त है। अगर वो बालक है और बालक के साथ में विकृचित है तो इन सब के विरुद्ध भी हमें प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी प्रकार प्राप्त है जिस प्रकार से अन्य धाराओं में प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पागल हो, उसे ये नहीं पता कि मैं सामने वाले को मारने जा रहा हूँ, उसे चोट आएगी या वो मर सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, उसे नहीं पता। मगर हमें पता है कि वो सामने वाला हम पर जो आक्रमण कर रहा है उस आक्रमण से हम चोटिल हो सकते हैं, हमें अपहानि होने वाली है, तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। प्राइवेट प्रतिरक्षा का हमारे पास पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त है और हम उसका पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक इलस्ट्रेशन भी है। या पागलपन की असर में का को जान से मारने का प्रयत्न करता है, या किसी अपराध का दोषी नहीं है, किंतु का को प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार है जो वो या की स्वस्थ चित्त होने की दशा में करता है। अर्थात कोई पागल अगर आप पर आक्रमण करता है तो पागल आक्रमण करता है और उसे यह ज्ञान नहीं है कि वो सामने वाले पर जो आक्रमण करने जा रहा है उससे हानि हो सकती है, मगर जिस पर आक्रमण हो रहा है उसे पता है, इसलिए उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। इस तरीके से पागल हो, विकृचित या बच्चा हो, उन सब के प्रति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार हमें धारा 98 से प्राप्त होता है।